नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार आए दिन आम जनता जो कि महंगाई की मार से जूझ रही, वही चलते आम जनता लगातार कहीं ना कहीं त्राही माम कर रही। और आज प्रेस क्लब में समय जो कि स्थानीय लोग और साथ ही साथ सुनील लिम्पल की मौजूदगी में एक प्रदर्शन किया जा रहा है। छोटा सा ये प्रदर्शन पर प्रदर्शन है क्योंकि यह लगातार ये कहा कि महंगाई की मार से बच्चे भूखे मरते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो। एलजी साहब इंसाफ दो, एलजी साहब इंसाफ दो। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ। दोनों तेरे राज में बच्चे भूखे मरते, दोनों तेरे राज में बच्चे भूखे मरते। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। देखिए आज ये लोग जम्मू से, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह से, रामबन, बनिहाल, बटोत, कुद से सभी ये माताएं, बहनें और अभी बसेस के भर भर के जम्मू आ रही हैं। और आज ये राजभवन का, पर अभी तो थोड़े ही दिख रहे हैं। आज राजभवन में ये घेराव करने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ पे रोक दिया। और पुलिस का बल इस्तेमाल करके राज्यपाल साहब आप कितनी देर तक सरकार चलाएंगे? भाजपा की हुकूमत के ऊपर से इन तमाम लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है, नंबर एक। दूसरी हमारी मांग है कि कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स को पिछले कई सालों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। नंबर दो, उनको जो कुक्स हैं सरकारी स्कूलों में, जिन्हें जो ये बच्चे जहां पे ये पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, और जहां पे ये पढ़ाया जाता है कि यहाँ डाल डाल पर बसती है सोने की चिड़िया, वो भारत देश है मेरा। ये भारत देश के अवाम का हाल देखिए आप। ये स्कूलों में निगरान का काम करते हैं, चौकीदार का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, लेकिन एलजी मनोज साहब इनके खुद के बच्चे जो है वो भर पेट उनको खाना नहीं मिल रहा। और साथ में हमारी ये मांग है कि आप इनकी तनख्वाहें बढ़ाए, इनको कुक्स को पक्का करें, और साथ में और लैंड जो डोनर्स जिन्होंने एलजी मनोज सिन्हा साहब आपको सरकार को आपकी सरकार को जो आपको जमीनें दी है, आपने कहा था कि नौकरियां दी जाएंगी, उनको नौकरी नहीं मिली, यानी कि आपके ऊपर भरोसा अब उठ गया है क्योंकि आपने कल 1600 हेल्थ वर्कर्स को निकाल दिया। डेली वेजेस का भी यही हाल किया जो हमारे साथ कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी यही हाल किया जो हमें आज रोका जा रहा है। हम राजभवन जाना चाहते हैं। अरे साहब ये आप भूल जाइए, राज्यपाल साहब की नींदें उड़ जाती हैं। वो कई किस्म के तरीके से वो मेरे मिशन स्टेटहुड की बातों का जवाब देते हैं, आपने कई बार देखा होगा। मिशन स्टेटहुड तो मिला नहीं, लगातार आपने शुरू। अरे साहब मिलेगा जब रियासत का दर्जा भी वापस आएगा। हमारा विशेष अधिकार 370 35 स्टेट सब्जेक्ट और 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिलेगी। आपने बोला 400 कुछ रुपए जो इनको, जी हाँ 430 इनकी 1000 रुपया तनख्वाह थी। सुनिए, इनकी 1000 रुपया तनख्वाह थी और उसमें से भी 800 रुपए काट लिए। अब वो भी 2017 से नहीं मिल रहे और उसको भी अब इस महीने, हाँ सुन लीजिए, क्या नाम आपका? संतोष देवी। क्या कहोगे संतोष जी, पूरी डिमांड बताइए आप। हमको नई पेमेंट, कहाँ से आई हैं? देते हैं बटोत से, बटोत से आए। नई पेमेंट पूरी मिलती है, नई साल साल के बाद देते हैं। कभी 400 रुपया डालते हैं, कभी 500 डालते हैं, एक सवाल पूछेगी आप, क्या करो आप कर रहे हैं, क्या लगता है जी? बिल्कुल होगा,
मसला हमने आंखें खोल दी है राज्यपाल साहब की और भारतीय जनता पार्टी की। हमने कहा था ये जम्मू कश्मीर बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं, हमें गिरवी रख रहा है, हमारी डेमोग्राफी बदल रही है और बेरोजगार नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं अमित शाह जी। हाँ वही तो, हम मसला इन्होंने हल करना है, इसीलिए आज देखिए ये लोग जो लेकर के आए हैं बैनर, बेरोजगारी हाय हाय का बैनर लेके आए हैं और ये तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। 2 तारीख तक अगर हमारी मसलों को मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये बहने और जोरदार तरीके से प्रदर्शन करेंगी। क्या नाम क्या आपका बताइए? जावेद। जावेद क्या कहना चाहूंगा? सर हम यही कर स्कूल में हम कुक्स का काम करते हैं, हम यही बस लास्ट बोल रहे हैं, अगर हमारा मिनिमम वेज एक्ट नहीं लागू किया या हमारे रेगुलराइजेशन पार्टी नहीं बनाई तो हम 2 तारीख से काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे डिस्ट्रिक्ट रामबन से। बाकी सारे बाकी लोग बाकी है कठुआ पुंछ रजौरी मतलब रामबन से बटोर से कठुआ सांबा से अभी और आ रहे हैं जो एक थाना है चक्का जाम करते ना आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखा गया आप रश्मि एक इतनी वरिष्ठ पत्रकार है सुबह से लेकर के शाम तक वो बीजेपी के अध्यक्ष से झूठ मूठ पहले सुनती रहती हैं। सुबह से शाम तक तो नहीं हम सर, जो हमारा काम उसी टाइम हम कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, अब फारूक साहब के साथ भी होती हैं, अब गुलाम नबी आजाद के साथ भी होती हैं, अब हमारे साथ भी होते हैं। तुम एक वरिष्ठ पत्रकार हो, आप आवाज इनकी दबने नहीं दोगे, आप ये स्ट्रेंथ मायने नहीं रखता और मुद्दा मायने रखता है, मुद्दे पे की बात कीजिए। मुद्दा पहुंच गया बेरोजगारी, हाय हाय बेरोजगारी। हमने आके विजुअल बताया सुनील डिंपल, आज फिर से मोर्चा खोला कि सीपीडब्ल्यू वर्कर को लेकर और लैंड डोनर्स को लेकर और साथ ही साथ महंगाई के मार को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना ये कि सवाल हमने पूछा क्या आपके प्रदर्शन से क्या इन लोगों का मसला हल होगा, जरूर कहा उन्होंने कि कहीं ना कहीं लालजी महोदय तक ये बात जरूर पहुंचेगी, उनका मसला भी हल होगा। अब देखना ये जो कह रहे तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो, और आपने देखा कितना पुलिस बल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और किस तरह इनका रोका गया। फिलहाल इनका कहना कि हम आने वाले समय में राजभवन की तरफ कूच करेंगे। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।